एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और अभी हम जा रहे हैं खेत साइड घूमने के लिए। मैं पंगी में ही हूँ। अभी संडे है, 5 तारीख है, और मैं, अमन और 2 बच्चे हैं। पुक्कू को घर पे ही छोड़ा है मम्मी के साथ, और बाकी देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। आप लोग भी चलिए हमारे साथ घूमने के लिए। यहाँ पर अभी अच्छे से फ्लोरिंग नहीं हुआ है, पिंक बर्ड ही है, कुछ कुछ खिले हुए फूल। पर दोस्तों यहाँ पे ना जो खुमानी चुल्ली होते हैं ना, उनमें थोड़े बहुत दाने लगे हैं। सेब के पेड़ों में तो फूल इतने अच्छे से नहीं खिले, अभी हल्के हल्के पिंक बड़ी है। देखिए बाकी चुल्ली खुमानी में थोड़े बहुत दाने लगे हैं, इसमें तो चुल्ली नहीं दिख रहा है। दोस्तों मैं खेत के ऊपर पहुंच गई हूँ। बाकी नीचे यनपंगी है, बस स्टैंड भी उधर ही है, और ये थैनपंगी है। गांव काफ़ी बड़ा है। वीरेन नीचे खेत में गया है, नीचे। ये दीदी का बेटा है और ये चाचू का, और 2 बच्चे पहले ही चले गए नीचे अमन के साथ। बाकी इधर से नीचे है खेत। जो अपना खेत समझे पर है, खेत नहीं है, अपने खेत है। चलो चलो, अपने खेत समझ के चलो। किसका खेत है? किस, ईशान भाई का। दोस्तों हम खेत पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर ये हेलो दोगरी बना रहे हैं। पहले था पुराना, दादाजी के टाइम पे उसको पढ़ दिया है, मिट्टी का छत्ता प्लांटर लगाए, बाकी बन रहा है। ये तो बड़ा। और यहाँ पर ना 14-15 बेड़ी है इधर। इधर ही आ गई सब। डिस्टर्ब कर दिया हमने इनको। यहाँ पे ये 2 खुड़े बेड़ियों के, यहाँ से आगे खेत, और ये जौ है शायद, भिजा हुआ, खतरनाक बना हुआ है। तो बिल्कुल सूख गया था यार, अब तो बड़ा वो बन गया। सच्ची आई नहीं थी, एक दिन आया उस तक घास ही था। घास ही नहीं था, ये घास है, ये घास है, नहीं है, सब्जी है। क्या है फिर ये? घास है, घास नहीं है, घास है। दोस्तों हम खेत से वापस आ गए, और अब हम जा रहे हैं छद्रंगती, वहाँ नागस्ती आता है वहाँ आगे, उधर ऊपर है शायद। रोनी को पता है नरेगा का है, वहाँ ऊपर लोग भी है जो
पता नहीं तुझे मैं पूछूं से ऊपर जाने का है ना। दोस्तों आप लोगों ने बाबा में देखा था वहाँ पर जैसे भी होते हैं खेत टेढ़े मेढ़े, पर यहाँ पर ऐसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं क्योंकि यहाँ पानी लगाया जाता है तो ऐसे होते खेत। और तौलिया भी ऐसे बनाए जाते हैं इधर जिसमें पानी भर सके। मेरा पीरी रंग दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी कारगिल वाले रोड में। मैं दिखाती हूँ हम कहाँ से कितना दूर है, वहाँ आया हमारा घर उधर और उधर से हम इधर आ गए। ये दो गलियाँ दिख रही है उधर तक, फिर इधर से ऊपर आए, वो पापा जा रहे हैं नीचे। दोस्तों उधर से ऊपर नहीं नाले से ऊपर खेत है हमारा एक वहाँ पर रानी और अमन मान नहीं रहे उधर जाने के लिए, वो वापस चले गए उधर से नीचे। और ये ग्लेशियर पॉइंट है, इधर से नीचे ग्लेशियर भी आता है। क्रेटे लग गए, अब तो रोड निकाला है। तो उधर से आगे है कारगिल और नीचे से परे शक्तरंग, नहीं उधर से परे खोंटा है, नीचे से परे शक्तरंग कुछ यही है, पता नहीं ऊपर से कि नीचे से। एक जगह से परे खोंटा है, एक जगह से परे शक्तरंग। दोस्तों ये रोड खुलने के बाद मैं यहाँ से पहली बार आ रही हूँ, शादी के बाद ही पहली बार आ रही हूँ मैं इधर से। अमन फिर नीचे चले गए, वो नीचे बैठे उधर। दोस्तों हम रोड टू रोड आए, तो यहाँ रोड में काम चला हुआ है, नदी का रूढ़ी कुट रहे हैं। हम गाड़ी के पास आए, चाहे मेरे पास है और अमन घर चले गए। बाकी रहा गाड़ी, तो दोस्तों हम वापस घर आ गए हैं। मैं ना आज आप लोगों को हमारी चौथी पीढ़ी दिखाती हूँ, मेरे से आगे की दो पीढ़ियाँ और मेरे बाद की एक पीढ़ी। ये मेरा बच्चा, ये मेरी नानी और ये मेरी मम्मी। पुक्कू की नानी इधर है और मेरी नानी इधर है, चारों पीढ़ियाँ एक साथ। और ये चाची का बेटा है, तुमको वीडियो बनाने के लिए नहीं मान रही। दोस्तों ये रहा श्री श्री नागेश जी का मंदिर और रिकांगपियो उधर पार पुआरी और ये इधर पुरबनी। कैलाश उधर है शायद, शायद नहीं, हाँ उधर ही है। कल्पा से तो पूरा दिख जाता है अच्छे से। और मेरे का घर से ऐसे दिखता है इलाका, अपना अपना इलाका ऐसे दिखता है इधर नीचे। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4:30 और यहाँ पर भी ना बाबा जैसे योगी आज बारिश शुरू होगी।
बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है। हवा तो चलती है वैसे भी यहाँ पे, लोग कंबल उठा रहे हैं छत के ऊपर से। क्या उड़ा के ले जाने वाले? छत का तो पता नहीं, रोनिक वाला जरूर उड़ाएगा है ना। कैसे बारिश हो गई थी, पर मौसम ना साफ है, सिर्फ इतने से नहीं बारिश, उधर से धूप लगी है। कंप्यूटर में तो बढ़िया धूप लगी है। दीदी को ना माइस और ये नरेगा वाले घर आते हुए